ये कैपेसिटर जो होता है आखिर चार्ज होता कैसे है? डीसी पर कैपेसिटर जो होता है चार्ज कैसे होता है? देखिए क्या कर रहा है, इसका हम थ्योरी लिख दिए हैं आप लोग को एग्जाम में, चाहे 11th का हो चाहे आप लोग के पॉलिटेक्निक में हो। आप लोगों को क्या होता है, इसमें थ्योरी पूछता है कि कैपेसिटर जो होता है आखिर चार्ज होता कैसे है। देखिए कैपेसिटर जो चार्ज होता है कैसे है, ये आप लोग की थ्योरी है, आप लोग क्या करेंगे अपने कॉपी में एड कर लेंगे। तो ये कैपेसिटर होता कैसे है चार्ज, तो ये यहाँ क्या किया, हम डीसी वोल्टेज सोर्स लिए हैं। ये आपका कैपेसिटर प्लेट है, एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव प्लेट्स एक होता है नेगेटिव प्लेट्स। तो पॉजिटिव प्लेट्स और नेगेटिव प्लेट्स आखिर होता कैसे है? देखिए जिस समय क्या होता है कि स्विच मेरा क्या रहता है कि ओपन रहता है, जिस समय में स्विच ओपन रहता है उस समय क्या होता है कि प्लेट ए और बी पर कोई आपका चार्ज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं कि स्विच को क्या करते हैं कि क्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है कि बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये क्या होता है कि प्लेट ए पर क्या होता है कि आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ये एकुमुलेटिंग हो करके क्या होता है कि ये बी जो है प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और देखिए क्या होता है कि ये आपको इधर से आपका क्या हो रहा है कि इधर से आपका करेंट इसमें फ्लो होते रहेगा, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब आपका ये प्लेट जो है ए और बी, इस प्लेट ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, ये क्या होता है कि इस वोल्टेज के बराबर हो जाता है, मतलब सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है कि ये कैपेसिटर जो होता है मेरा फुल चार्ज हो जाता है, और इससे जो होता है आपका करेंट फ्लो होना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि यहाँ आपका देखेंगे तो यहाँ आपका पॉजिटिव यानी कि चार्ज होगा काफी मात्रा में हो जाएगा, और यहाँ प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज जो है वह काफी मात्रा में यहाँ डेवलप हो जाएगा। तो इधर से आपका जो इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपको इस तरह से जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो आपको इस तरह से जा रहा था, जिस समय यहाँ क्या था कि इस प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज यानी कि कम मात्रा में थे, तो ये क्या कर रहा था कि ये आपको इधर आ रहा था, ये यानी कि पॉजिटिव, ये आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बैटरी का, इस पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज भी जो था कम था, तो ये आपको इस तरह से जा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जिस समय आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी और ये सप्लाई वोल्टेज भी बराबर हो जाता है, तो वहां क्या होता है कि यहाँ मोर और मोर आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स काफी मात्रा में हो जाते हैं, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहा है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होता है आपस में रिपेयर कर देता है, जिसके चलते क्या होगा कि आपका इसमें करंट का फ्लो होना जो होगा, इस तरह से जो आपका करंट इसमें इस तरह से जो फ्लो करता था, ये फ्लो करना रुक जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि मेरा कैपेसिटर जो है आपका फुल चार्ज हो जाएगा। तो चलिए एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए जो बोले हैं सही है या नहीं। व्हेन द स्विच एस इज ओपन देन देयर इज नो चार्ज ऑन प्लेट्स। आपको बोले थे जिस समय स्विच क्या रहेगा ओपन रहेगा, इसमें प्लेट पर कोई भी चार्ज यानी कि डेवलप नहीं होगा। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, जब स्विच ये जो एस है इसको क्या करते हैं क्लोज कर देते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लेट ए विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्युमुलेटिंग ऑन प्लेट बी। आपको बताए थे कि जब स्विच क्या करेंगे क्लोज कर देंगे, तो ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ये प्लेट प्लेट ए पर से मोर और मोर क्या होता है आपका पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और ये एकोमुलेटिंग हो करके क्या होता है इस प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगता है। दिस एक्शन इज रेफर्ड टू एज अ चार्जिंग। ये आपका जो एक्शन इस तरह से जो हो रहा है, कार्य जो हो रहा है, इससे क्या हो रहा है आपका जो कैपेसिटर जो है चार्ज हो रहा है। प्लेट आर बिकमिंग चार्ज, दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्लो या चार्जिंग चार्जिंग कंटिन्यूअस टिल पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी करने का मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस है, अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट्स बिकम्स इक्वल टू बैटरी वोल्टेज। ये क्या होता है जो आपका कंटिन्यूअसली इस तरह से जो आपका प्लेट पे यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो हो रहा है, एक समय ऐसा आता है कि ये आपका सप्लाई वोल्टेज और यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है कि बराबर हो जाता है विद द करेंट फ्लो सीज। तब अब क्या होता है कि जब ये दोनों बराबर हो जाता है तो आपका करेंट फ्लो करना रुक जाता है। इफ
नाउ द स्विच इज ओपन, अब हम क्या करते हैं कि स्विच जो कैपेसिटर का है उसको ओपन भी कर देते हैं, तो जो आपका ये कैपेसिटर जो है चार्ज रह जाता है, मतलब वो आपका क्या होगा जितना चार्ज था उतना ही चार्ज उसमें रह जाएगा। दस इस प्रकार कैपेसिटर प्लेस व्हिच वेयर न्यूट्रल टू स्टार्ट विद नाउ हैव चार्ज ऑन देम, दिस शो दैट कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि मेरा कैपेसिटर जो होता है चार्ज हो जाता है। तो ये था आप लोग का चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, किस पर सप्लाई वोल्टेज हम डीसी दे रहे हैं तब। लेकिन क्या होता है कि कैपेसिटर जब आपको डीसी पे यानी कि वर्क करते रहता है तो क्या होता है एक समय एक ऐसा आता है जैसे अभी देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस और सप्लाई वोल्टेज दोनों बराबर हो जाता है, तब जाकर के आपका कैपेसिटर क्या होता है कि आपका डिस्टर्ब होने लगता है, मतलब इसका जो कैपेसिटी जो है जितना चार्ज स्टोर करने का था उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा। लेकिन आपका क्या है कि आपका कंटिन्यूसली आपका इलेक्ट्रॉन्स क्या है इस तरह से फ्लो होते जा रहा है, यहाँ क्या होगा कि इतना हीट डेवलप हो जाएगा इस डायलैक्ट्रिक मीडियम में, इस बीच में आपका जो डायलैक्ट्रिक मीडियम रहता है उतना हीट हो जाता है कि आपका कैपेसिटर क्या होता है डिस्ट्रॉय होने लगता है और लास्ट में आपका डिस्ट्रॉय कर जाता है, बर्न कर जाता है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जानते हैं कि डीसी में जो क्या होता है हमेशा यानी कि करेंट जो होता है स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, इसलिए आपका क्या होता है कि इसमें डिस्चार्जिंग होता ही नहीं है। डीसी के केस में आपका कैपेसिटर जो होता है डिस्चार्ज नहीं होता है। तो आप लोग इस थ्योरी को क्या करेंगे अपने कॉपी में ऐड कर लेंगे ताकि आप लोग के एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।